फ्रेंड्स, कल आईपीएल 2020 में खेले गए एक रोमांचक मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट से करारी शिकस्त दे दी है और इस जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए 5 बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो गाइस, आज के इस वीडियो आपको सभी खुशखबरी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप आईपीएल के फैन चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम बने आईपीएल 2020 में चैंपियन, तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक और आईपीएल से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए वीडियो के नीचे से ट्रेंडिंग ग्रिड को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन उनको भी दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप आईपीएल के किसी भी मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हो, तो एक बार सम्राट क्रिकेट टिप्स के साथ कॉन्टेक्ट जरूर करें। उनका सारा डिटेल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साथ ही साथ इनका सारा डिटेल आपको वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पूरे खबर से विस्तार में खुलकर बातचीत कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा आप लोग को पता ही होगा कि कल आईपीएल में एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर पहले बैटिंग करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने 223 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। उसके बाद जवाब में बैटिंग करने आई राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक अंदाज में इस रन चेस को अचीव कर लिया। इसी के साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और इस मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए 5 बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो जो सबसे पहली खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, यह जॉस बटलर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जॉस बटलर अपना क्वारंटीन कंप्लीट कर चुके हैं और वह राजस्थान रॉयल्स की टीम का भी कल हिस्सा बने थे। हालांकि इस मैच में जॉस बटलर कुछ खास नहीं कर पाए और 7 गेंद में 4 रन बनाकर शेल्डन कॉटरेल का शिकार हो गए। लेकिन जॉस बटलर का वापसी राजस्थान रॉयल्स को बहुत ज्यादा अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे गुड न्यूज के बारे में। तो जो दूसरा गुड न्यूज निकलकर आ रहा है, स्टीव स्मिथ के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर आपको पता ही हुआ कि कल स्टीव स्मिथ ने एक शानदार पारी खेली थी और स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 27 बॉल में 50 रन की पारी खेली थी। इसके साथ ही साथ स्टीव स्मिथ ने लगातार 2 मैचेस में 2 अर्धशतक लगा लिए हैं। इससे पहले उन्होंने पहले मैच में सीएसके के अगेंस्ट भी 69 रन की पारी खेली थी। तो ऐसे में कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ला राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे गुड न्यूज के बारे में। तो जो हमारी तीसरी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, यह संजू सैमसन की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर संजू सैमसन का बल्ला तो भाई आग उगल रहा है, आप लोग जानते होंगे। और संजू सैमसन काफी ज्यादा तेज तर्रार बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने आईपीएल के पहले मैच में सीएसके के अगेंस्ट 32 बॉल में 24 रन बनाए थे। वही फॉर्म उन्होंने आज के मैच में भी कंटिन्यू रखा, जहां पर कल के मैच में उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट सिर्फ 42 बॉल में 85 रन की पारी खेली। हालांकि वह शतक से जरूर चूक गया, लेकिन इस पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 4 विकेट से जीत लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि संजू सैमसन अपना फॉर्म जारी रखे और राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाए। और जो हमारी चौथी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, यह राहुल तेवतिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको पता ही होगा कि राहुल तेवतिया कल के मैच में 0 से 0 बन गए। वह काफी खराब बैटिंग कर रहे थे स्टार्ट में और पहले 19 गेंद में उनके बल्ले से सिर्फ 7-8 रन निकले थे, लेकिन उसके बाद तो भाई उन्होंने पूरे अबू धाबी में तबाही मचाकर रख दिया और उन्होंने शेल्डन कॉटरेल के 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इसके साथ ही साथ सिर्फ 31 बॉल में 53 रन की पारी खेली और उन्होंने पहले मैच में भी सीएसके के अगेंस्ट मैच विनिंग बॉलिंग किया था। तो ऐसे में राहुल तेवतिया काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं, एक बार बॉलिंग से एक बार बैटिंग से। तो कुल मिलाकर यह राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने 5वें खबर के बारे में। तो यह खबर जोफ्रा आर्चर से रिलेटेड है, जहां पर जोफ्रा आर्चर बॉलिंग से तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बैटिंग से भी कमाल धमाल मचा रहे हैं, जहां पर आपको पता ही होगा कि सीएसके के अगेंस्ट उन्होंने आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़े थे। वही आज के मैच में भी इन्होंने मोहम्मद शमी के अगेंस्ट काफी अच्छी बैटिंग की है, जहां पर जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 3 बॉल में 13 रन की नबाद पारी खेली और इस पारी के दौरान उन्होंने 2 लगातार छक्के लगाए हैं मोहम्मद शमी के अगेंस्ट। हालांकि उनकी पारी की इस वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब जोफ्रा आर्चर बैटिंग करने आए थे तो उस समय राजस्थान रॉयल्स को 11 गेंद में 21 रन की जरूरत थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने आते ही लगातार 2 छक्के लगा लिए, जिससे राजस्थान रॉयल्स के लिए यह रन चेस बहुत ज्यादा ईजी हो गया। तो कुल मिलाकर जोफ्रा आर्चर का ऑलराउंडर प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस, यही कल के मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए 5 बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आप अपना राय अपना विचार हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आईपीएल से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए वीडियो के नीचे से ट्रेंडिंग क्रिएटर को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन और को भी दबा लीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।